आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एपोसाइनेसी फैमिली के एक प्लांट की बात करेंगे। चांदनी के नाम से आप लोग जानते हैं। वाइट कलर के इसके फ्लावर्स देख पा रहे होंगे। मित्रों, हाई कंटेंट ऑफ एल्कलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इंडोल एल्कलॉइड इसके अंदर पाया जाता है और इंडोल एल्कलॉइड हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य करता है, एन्जाइटी को, तनाव को दूर करने का कार्य करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का कार्य करता है और कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर कोलिनोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस और कई न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में और उनके समाधान में विशेष भूमिका निभाता है। इस प्लांट को कटिंग के माध्यम से आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। सुंदर इसके फूल आते हैं और इसके पत्र, इसकी छाल और इसकी मूल सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आती है। ये जो आप वाइट कलर के फ्लावर्स देख पा रहे हैं साथियों, इसको आप इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन कर सकते हैं। इन्फ्यूज़न बनाने के लिए आप 100 ml पानी गर्म कर लीजिए, उसके अंदर 20 ग्राम फूल डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए कंटेनर को। जब ये ठंडा हो जाए तो उसका आप सेवन कर लीजिए। आपको अच्छी नींद आएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और ब्लड शुगर भी आपका मेंटेन रहेगा। कई समस्याओं का एकमात्र समाधान ये सुंदर फूल। साथियों, अगर अग्रावेशन पित्त का ज़्यादा है तो आप इसकी निकलने वाली नीचे जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसके 3 से 4 ग्राम पाउडर को लेकर शहद के साथ इसका सेवन कीजिए, तो इन्हीं समस्याओं को आसानी से रेगुलेट करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने का कार्य भी करता है। अगर स्किन इन्फेक्शन हो स्किन के ऊपर, तो आप इसके पत्र का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। इन्फ्लामेशन को दूर करने का भी कार्य करता है। मित्रों, दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इंसेक्ट बाइट बहुत साधारणतः हो ही जाती है। अगर बिच्छू ने काट लिया है या फिर किसी जहरीले जीव जंतु ने काट लिया है, तो आप इसकी जड़ का पाउडर लगा सकते हैं, और अगर जड़ का पाउडर ना मिले तो इसके पत्र का काढ़ा बनाकर आप घाव को धो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पॉइजंस का एंटीडोट ये होता है। स्नेक बाइट हो, स्कॉर्पियन बाइट हो, या फिर मंकी बाइट हो या डॉग बाइट हो, सभी के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पत्र का डिकॉक्शन बनाकर घाव को धो सकते हैं और इसकी रूट का शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि घाव हील हो जाता है और पॉइजन है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। हेयर डेंड्रफ की समस्या हो, बालों में डेंड्रफ हो या फंगल ग्रोथ हो, फंगल ग्रोथ के कारण एलोपीशिया की समस्या हो गई हो, बाल उड़ गए हों, तो आप इसके एपिकल पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसके पत्र और इसके फूल, इसका महीन पेस्ट बनाकर बालों पे लगा दीजिए। धीरे धीरे एलोपीशिया की समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये एलोपीशिया फंगल इन्फेक्शन के कारण हुई थी और उसी फंगल इन्फेक्शन के ठीक होने के कारण एलोपीशिया की समस्या दूर हो जाती है। सुंदर घने काले बाल फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार से स्किन केयर के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए और कई प्रकार के पॉइजंस के एंटीडोट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एक दिन में तो नहीं होते हैं, धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स के लगातार एक्यूमुलेशन के कारण, परोक्सीडेशन एक्टिविटीज़ के बढ़ने के कारण और गिरते हुए GSH लेवल के कारण न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो उन सब के समाधान के लिए आप इसके फूल का, फ्लावर्स का इन्फ्यूज़न पीजिए। जैसे हमने आपको बताया, धीरे धीरे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कंट्रोल हो जाते हैं, शरीर के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे माइस्थेनिया ग्रेविस की संबंधित समस्या हो या फिर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की समस्या हो, वो दूर हो जाती हैं। मित्रों, एक विशेष गुण और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको अपने घर के गमलों में लगाते हैं तो इससे निकलने वाला असेंस, इससे निकलने वाला फ्रेग्रेंस एयर के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करती है, जो मेंटल पीस देने का कार्य करती है। धीरे धीरे आपकी अच्छा लगने लगता है और आपका जब मन प्रसन्न होता है तो आपका दिन भी अच्छा बन जाता है। मानसिक तनाव तो दूर हो ही जाते हैं, अच्छी नींद आपको आ जाती है और इस प्रकार से आप इसको घर की सुंदरता के लिए और स्वास्थ्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। जानकारी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जानकारी के लिए, परामर्श के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
इन्हीं बातों के साथ। कल मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।